सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर 11th और 12th केमिस्ट्री को बड़े इजी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। उसी के इस पार्ट में हमने 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रखा है। तो आइए इसके कुछ टॉपिक्स को हम आज कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पी ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक का जो टॉपिक हमें आज स्टार्ट करना है वो है रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट टुवार्ड हाइड्रोजन। जो ग्रुप 15 एलिमेंट जो कि हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखिएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर जो ये कंपाउंड बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्राइड्स। मीन दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट विद हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमें बात ये याद रखनी है कि किस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। अब देखिए, जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 एंड NP3। अगर हम इन्हें थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अंदर ऐसे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जो बाहर जो पी सब शेल है जिसमें तीन ऑर्बिटल है उनमें एक एक प्रेजेंट है। ये तीनों ओवरलैपिंग कर सकते हैं आपके एक एक हाइड्रोजन के साथ और तीन सिंगल बॉन्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पर जिस टाइप का हाइड्राइड बनेगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा MH3। एम रिप्रेजेंट करता है यहाँ मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 15 और दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड एज द ट्राई हाइड्राइड्स। अब इन ट्राई हाइड्राइड्स की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होगी। जैसे कि एक बात देखिएगा कि हमारा NH3 है, NH3 केस के अंदर जब हमने +1 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था तो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है NS2 एंड NP3, तीन और दो पांच। प्लस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, NS1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, तीन। तो हम कितने ऐड कर दें इसके अंदर, थ्री ऐड कर दें। अब इसके बाद ना तो यहाँ पर कोई चार्ज है, ना कोई प्लस चार्ज, ना कोई माइनस चार्ज, तो कुछ प्लस करने की जरूरत नहीं है, कुछ माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें प्लस माइनस जीरो कोई दिक्कत ही नहीं है। इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू 8। जब 8 पे हमारा नंबर आता है, वी डिवाइड दिस नंबर विद 2। तो जब ये आपका डिवाइड हुआ तो डिवाइड आने पर आपका गया ये 4 पर। 4 देखिए, यहां पर अगर वैल्यू 2 आती है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट करता है, वैल्यू 3 आती है तो sp2, 4 आती है तो sp3, 5 आती है तो sp3d, 6 आती है तो sp3d2, 7 आती है तो sp3d3। अगर ये नंबर 8 से ज्यादा आए, मान लीजिए ये नंबर आपका आ जाता 16, आ जाता 18, कुछ भी नंबर आ जाता, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। लेकिन अगर वैल्यू 8 से कम या 8 आए तो हम उसे डिवाइड करेंगे ऑलवेज 2 से। अगर पूरा डिवाइड ना हो तो जो रिमेनिंग बचेगा उसे एक बार 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि कोई एग्जाम्पल और भी पढ़ लेंगे हम। देखिएगा, मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ, मान लीजिए PCl5 का। अब PCl5 के केस के अंदर जो फास्फोरस है ये ग्रुप 15 एलिमेंट है। ग्रुप 15 एलिमेंट, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP3 रहेगी, तीन और दो मिलके हो गए पांच। प्लस किया क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं NS2 और NP5, पांच और दो हो गए सात और पांच क्लोरीन है तो सत्रुपंज हो गए हमारे 35। तो 35 हमने इसमें ऐड किया, 35 और 5 हो गए 40। ये नंबर 8 से बड़ा है तो हमने इसे डिवाइड कर दिया 8 से। कितने पे गया ये आपका, 5 पे गया। अगर ये 5 पे गया तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी बनी sp3d। sp3d होती है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेंटर में आपका p प्रेजेंट है, बाकी cl 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 प्रेजेंट है। या फिर देखिएगा, अगर हाइड्राइड के केस में अगर हम देखें तो हमने किया ph3। तो देखिए, फास्फोरस के और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अगर मिलाएं, फास्फोरस NS2 NP3 5 और हाइड्रोजन के तीन, पांच और तीन आठ, कोई प्लस और माइनस चार्ज नहीं। और आठ को डिवाइड कर दिया हमने दो से, ये गया चार पे। जैसे ये चार पे गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आई आपकी sp3। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं किसी पॉजिटिव या नेगेटिव केस का। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं NH4 पॉजिटिव। होता ये है कि जो NH3 है अमोनिया, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि NS2 में पड़ा है यहाँ पर आपका एग्जिस्ट करता है। ये क्या करता है, अगर ये एच पॉजिटिव के कंटेक्ट में आता है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो जो स्पीसीज आपको मिलती है वो स्पीसीज मिलती है NH4 पॉजिटिव। अब NH4 पॉजिटिव के केस में देखिएगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट NS2 NP3,
2 + 3 इज इक्वल टू 5। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो चार ने मिलके दिए चार। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया, जितना चार्ज दिया गया है उतने क्या कर दीजिए यहाँ पर माइनस कर दीजिए। पॉजिटिव दे रखा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, कमी है यहाँ पर, तो हमने किया -1। तो 5 और 4 9, 9 में से एक माइनस हो गया आपका 8, जो 8 आया उसको डिवाइड कर दिया 2 से, कितने पे गया 4 पे। और अगर वो 4 आ गया तो मैंने अभी आपको बताया था ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। जैसे जब हम बात कर रहे थे NH3 केस के अंदर, तो उसकी ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल, तो सेंटर में एन प्रेजेंट होगा और 109.28 जो एंगल होता है टेट्राहेड्रल एंगल आपका, उसके अनुसार से यहाँ पर बाकी हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट थे NH3 केस में, 1 2 3, तो चौथी जगह थी वहां पर क्या प्रेजेंट है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो शेप बनेगी वो बनेगी इसकी पिरामिडल शेप। लेकिन NH4 पॉजिटिव केस में सेंटर में एक एन प्रेजेंट है, चार बॉन्ड है इसके हाइड्रोजन के साथ, जिनमें से एक बॉन्ड क्या है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कंप्लीट के ऊपर चार्ज आपका क्या है पॉजिटिव। जो देखिएगा इसकी ज्योमेट्री क्या है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा, और जो शेप है इसकी देखिए क्या है आपकी, सभी को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं जो आपकी शेप बनेगी वो इसकी शेप हो जाएगी, ये टेट्राहेड्रल रहेगा आपका, कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही यहां पर नहीं है। देखिए हमने यहां तक अभी तक पढ़ा कि ये क्या हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, किस टाइप के हाइड्राइड्स आपके बनाते हैं। अब इन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब कैसे हुआ ये इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। हमारा NH3 से लेकर नीचे जाने पर जो आपका PH3 है, फॉस्फोरस हाइड्राइड से लेकर बिस्मिथ के हाइड्राइड्स तक, एक आपके सेंटर एटम है, उस सेंटर एटम के साथ आपके हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड्स कितने स्ट्रोंग हैं या बॉन्ड कितने आपके वीक हैं। तो देखिएगा नाइट्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम है, अब ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, अब नॉर्मली तो जो है वो जो आपके एटम्स होते हैं दीज आर द हार्ड स्फीयर, वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में बिल्कुल टच में होते हैं, उन्हें आसानी से दिखाने के लिए हम इस टाइप के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब जितना आप इस एटम का जो कि सेंटर एटम है उसका साइज बढ़ाते रहेंगे, मीन जितना आप डाउन द ग्रुप जाते रहेंगे उतना इन दोनों के बीच में सेंटर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता रहेगा बढ़ता रहेगा, उतना ही आपका बॉन्ड जो लेंथ है वो बढ़ती रहेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती रहेगी। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की वो क्या हो जाती है आपकी डिक्रीज हो जाती है। देखिए द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे आप NH3 से PH3 ASH3 SbH3 एंड BiH3 की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे साइज आपका सेंटर एटम का बढ़ता रहता है, इसके बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के वीक हो जाने से आपका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो आपकी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी भी आपकी कम हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है, अब हमें कंपेयर करना है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ये जो आपके बॉइलिंग पॉइंट है इनका ट्रेंड एक देखकर आपको एक बात का पता चल रहा है कि देखिएगा फोस्फोरस से आपका आर्सेनिक गए, आर्सेनिक से आपका एंटीमनी गए, एंटीमनी से आपका बिस्मिथ गए, मीन्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इंक्रीजेस। एक रेगुलर इंक्रीज करता है लेकिन विद ए एक्सेप्शन, यानी सबसे कम यहां पर अगर आप इस तरह से देखें तो NH3 का होना चाहिए था, लेकिन NH3 का इन बिटवीन है ये आपके इन हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट के। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आपका डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं इनके हाइड्राइड्स के केस के अंदर, अब इनके जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी वो किस बात पे किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, नॉर्मल सी बात है कि जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस हैं उन पे डिपेंड करेगी। और जितने भी आपके ये हाइड्राइड्स हैं NH3 ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल होने पर जो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा जो कि सभी में प्रेजेंट होता है, दैट इज द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल ऑफ दीज हाइड्राइड्स।
यानी ये जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका हमने नाम पढ़ा था 11th क्लास में से, आप इंस्टेंटेनियस डाइपोलर इंट्रैक्शन भी कहते हैं। यानी कोई भी एक आपके, अगर आप एटम को स्टडी करते हैं, तो उस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके सराउंडिंग में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। होता ये है कि इस इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, इनका जो जो सेंटर है इन दोनों के चार्ज का, वो कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ एटम पे। दैट्स वाई जो कंप्लीट जो आपका एटम है वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करते वक्त ऐसी कंडीशंस अराइज होती है सभी एटम्स के अंदर कि वो नेगेटिव चार्ज एक तरफ आपका एक्यूमुलेट हो जाए, दैट विल रिजल्ट इनटू ए नेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर साइड। सो एक टाइम के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या बना आपका? इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना। और ऐसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस डाइपोलर इंटरेक्शन, और दे आर दिस इंटरेक्शन इज ऑल्सो कोल्ड एज द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज हाइड्राइड्स। अब इसका जो जो वंडरवाल का मैग्नीट्यूड है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? देखिएगा, पॉइंट नंबर वन, वो आपका एटॉमिक रेडियस पर, यानी साइज ऑफ द एटम पर डिपेंड करता है। क्यों करता है? कि जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, उतना ही देखिएगा ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाएगा। दूसरी बात, अगर इनके बीच में डिस्टेंस आपका कम होगा, उतना ही ये न्यूक्लियस क्या है, इसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। और हम बात कर रहे हैं, देखिएगा कि अगर ये ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो जिस सिमेट्री में रिवोल्व कर रहे हैं उससे डिफरेंट आना और पॉसिबिलिटी होना कि एक तरफ आपके नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, वो कम हो जाती है। लेकिन जहां पर न्यूक्लियर जो फोर्स है वो कम है, वहां घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन, ऐसे कोई चांसेस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन एक तरफ आपके एक्यूमुलेट हो जाएं और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ रह जाए, मींस इंस्टेंटेनियस डाइपोलर इंटरेक्शन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जब साइज आपका बढ़ता है। अब देखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, जो प्रिंसिपल शेल है वो हर स्टेप पे एक नई ऐड हो जाती है। नई प्रिंसिपल शेल के ऐड होने से जो एटॉमिक साइज है आपका ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। सो इस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, ये भी आपका ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो जाता है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, मींस जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बिटवीन द हाइड्राइड्स, ये क्या हो गए? स्ट्रोंग हो गए। और इनके स्ट्रोंग होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा आपका? इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा फैक्टर देखिएगा कि जो आपका दिए जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके मैग्नीट्यूड को जो सेकंड पॉइंट इफेक्ट करता है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उनके सिमेट्री को ब्रेक करके एक तरफ आने में। अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस उन्हें बाइंड कम रख पाएगा, उसे हार्ड रहेगा और पॉसिबिलिटी रहेगी इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स बनने की। जितने ज्यादा इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स बनेंगे, उतना ही ज्यादा इंस्टेंटेनियस डाइपोलर इंटरेक्शन भी होगा। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से आपका जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करता है। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के इंक्रीज करने की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज करता है। सो नाइट्रोजन से लेकर बिस्मिथ तक ये वंडरवाल फोर्स ऑफ जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो इंक्रीज करता है। इसकी वजह से ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन द केस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द एक्सेप्शन ऑफ NH3। यहां पर जो NH3 है वो क्या है? एक एक्सेप्शन है। इसका रीजन ये है, NH3 का एक्सेप्शन होने का, बिकॉज अमोनिया के केस के अंदर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि हम पहले से जानते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, देखिएगा याद रखने के लिए, फोन, दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड द हाइड्रोजन। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स कंपेयर टू वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई सबसे कम NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ना होकर इसका क्या आया? इन बिटवीन आ गया। और ये आपका देखिएगा, इन दोनों से इसका क्या हो गया? ज्यादा। तो
जो ट्रेंड आया आपका, आपको जो याद रखना है, जो पूछा जाएगा उस ट्रेंड का आंसर आ गया ये, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ड्यू टू द इंक्रीज इन द वंडर वाल फोर्सेस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज मोर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिएगा ये हमने बता रखा है कि लाइक जो आपका NH3, अब ये जो नेक्स्ट जो फैक्टर है आपका जो हमें पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट के बाद, दैट फैक्टर इज द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 है उनके केस में बॉन्ड एंगल कैसे मेजर करता है। देखिए मैं जनरली बात कर रहा हूं, यहां पर सेंटर में हमारा एम प्रेजेंट है, ये एम आपका मेंबर ऑफ ग्रुप 15 शो कर रहा है, तीन हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हमारा क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की, द एंगल बिटवीन दीज, एंगल बिटवीन दीज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच का जो एंगल है। अब एक बात देखिएगा कि जो सेंटर में जो आपका एलिमेंट प्रेजेंट है और जो ये हाइड्रोजन है इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है एंड दैट सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, बिटवीन दीज टू एटम्स, इन दोनों के एटम्स के बीच में जो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई इसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अब देखिएगा ये जो सेंटर जो में जो आपका एटम है इसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतने ही ये इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन आर मोर क्लोजर टुवर्ड द सेंटर एटम। फॉर एग्जाम्पल एज वी ऑल नो अमंग ग्रुप 15 नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर। If nitrogen is the most electronegative member, in the case of NH3, these shared electrons are more closer toward the nitrogen. अगर ये nitrogen की तरफ ज्यादा होंगे तो देखिए ये एक दूसरे के भी तो क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आने से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में आपका जो रिपल्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब रिपल्शन के इंक्रीज होने से आपको पता है सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से जो स्टेबिलिटी है वो डाउन चली जाती है, कम हो जाती है। स्टेबिलिटी के डाउन जाने से अब वो मॉलिक्यूल अपने आप को दोबारा से स्टेबलाइज करना चाहता है, तो वो ऐसा इसलिए कर सकता है, वो तब कर सकता है जब वो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करे। और इस बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, इन बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्शन को मिनिमाइज करने का तरीका है कि बॉन्ड लेंथ को बढ़ा दिया जाए ताकि बॉन्ड पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए आपका, सबसे ज्यादा हो जाए। तो जो नाइट्रोजन है जिसके केस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसका जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा होगा और ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू द बिस्मिथ आपका बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिएगा हमने ये देखा कि NH3 फॉर NH3 द बॉन्ड एंगल इट इज 107.8 डिग्री, फॉर PH3 फॉस्फोरस हाइड्राइड इट इज 99.5 डिग्री एंड फॉर आर्सेनिक इट इज 91.8 डिग्री एंड दिस इज सिमिलर टू SbH3 एंटीमनी हाइड्राइड्स एंड एंगल इज 91.3 एंड फॉर लास्ट जो BiH3 है बिस्मिथ हाइड्राइड इसे केस के लिए बॉन्ड एंगल आपका है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन अगर बॉन्ड एंगल से आ जाता है जो कि बहुत बार पूछा जाता है तो ये आपका सोल्व होगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल जो एटम है आपका। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल रहेगा और जितना ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही आपका कम बॉन्ड एंगल रहेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा नई नई वीडियोस लाने का और मन करता है और मेहनत करने का मन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।